अगर आप लोग भी शाहीन शाह आफरीदी को एक बेहतरीन फास्ट बॉलर मानते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। एशिया कप 2022 के स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर पाकिस्तान टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है। पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी यानी शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप 2022 से बाहर हो गए हैं। शाहीन शाह आफरीदी इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में फील्ड के दौरान बॉल लगने की वजह से शाहीन शाह आफरीदी इंजर्ड हो गए थे। उसी इंजरी के चलते शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप 2022 से बाहर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर ये है, जो अंदरूनी खबरें हमें मौसूल हो रही हैं, उनके मुताबिक शाहीन शाह आफरीदी की जगह मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर इन खबरों में हकीकत है तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही बड़ा फायदा है, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी इंडिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस देते थे। लेकिन अब मोहम्मद आमिर भी शाहीन शाह आफरीदी की उस कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं। मोहम्मद आमिर की मौजूदगी की वजह से शाहीन शाह आफरीदी की कमी पूरी हो सकती है। दोस्तों, आप लोगों को पीसीबी का ये फैसला कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है। आप लोगों को क्या लगता है कि शाहीन की जगह मोहम्मद आमिर ठीक है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें।